नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मैं आपको सीआरटी टीवी के बारे में जानकारी दूंगा। कई लोगों ने पूछा है सीआरटी टीवी के बारे में, बताइए यार इसकी जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए, लास्ट एनोड बोलते हैं इसको, ये इसको फाइनल एनोड भी बोलते हैं, लास्ट एनोड भी बोलते हैं। ये सीआरटी के ऊपर लगा हुआ होता है, ऐसा चिपका हुआ होता है। तो इसमें बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा स्पार्किंग होती है, ये यहाँ पर जल भी जाता है कई बार, और कई बार स्पार्किंग दिखती रहती है, स्पार्किंग होती रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इसको क्लीन कीजिएगा, और क्लीन करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एसीटोन से ना करें साफ इसको, पानी से साफ करें इसको, अच्छा पूरा धोएं इसको। और जो अपना सीआरटी पर लास्ट एनोड वाली जगह होती है जिसमें ये फंसाया जाता है, ये लॉक किया जाता है, उसको भी अच्छा पानी से ही साफ करें, उसको क्लीन करें, उसके बाद इसको लगाएं, साफ करके अच्छा धो के उसको, तो केरोसिन या फिर उसके बाद आप एसीटोन का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए, और उस पर कि जिससे मॉइस्चर ना रह जाए, उसके बाद इसको लगाएं क्लियर। उसके बाद आता है ये, तो मैंने अधिकांशतः देखा है सीआरटी बेस जो होती है ये ख़राब होती है। एक तो आउट ऑफ फोकस पिक्चर बनने लगती है, यदि आउट ऑफ पिक्चर फोकस बनती है तो इसका मतलब आपकी ये बेस ख़राब है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये देखिए कितना ज़्यादा स्पार्किंग हुई है इसमें, ये स्पार्किंग हुई, ये जला दी, पीसीबी जला दिए। इस तरीके से अगर पीसीबी जलाते हैं और अपन ने इसको नया लगाया, उसके बावजूद भी घंटे दो घंटे चलने के बाद फिर स्पार्किंग हुई, फिर यदि ये बेस जला देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ESTB बदलना है। ESTB बदलिए, कभी कभी ये रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं यहाँ पर आपको ये भी बदलना पड़ेंगे, ये दो तीन रेजिस्टेंस लगे होते हैं यहाँ पर, इनको भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ख़राब हो जाते हैं। ये 10K वगैरह का जो रेजिस्टेंस रहता है उसको बदलना पड़ेगा, ये ख़राब हो जाने की वजह से इसको बदलना पड़ेगा। इसको भी क्लीन कीजिए, इसके बाद इसको लगाइएगा आउट ऑफ फोकस। यदि अब इसमें आपको थोड़ा सा टिप और दे दूँ मैं, तो सबसे पहले इसमें अधिकांशतः क्या नहीं होता है, ये आपको मालूम है पावर सप्लाई का आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा रहता है या एसटीआर लगा रहता है, ये ख़राब होता है। यदि फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करना है, ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब तो नहीं है। यदि ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है, तो यदि यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके बेस पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे, ये चेक करना है। अब पता चला सब कुछ सही है फिर भी बेस पर वोल्टेज ही नहीं आ रहे, यहाँ पर 12 वोल्ट बनते हैं, जो 12 वोल्ट नहीं आ रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ और यहाँ से एक हैवी रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, 220 के के रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, ये लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये जो क्वार्टर वाट के रेजिस्टेंस लगे हैं, 220K का ये लगा, 220K का ये लगा, किसी किसी में हाफ वाट का लगा रहता है। वैसे हाफ वाट का रहेगा तो और अच्छा रहेगा, कम खराब होगा, इसलिए हाफ वाट का ये देख लें। यदि ये बार बार ये आपको जला हुआ दिखता है, तो इसका मतलब है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है अपना पावर सप्लाई का ये ख़राब है, इसको बदल दें और फिर इसको भी लगा दें। इसके बाद आता है ये काम करने लगा यहाँ पे 110 अगर वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसे डायोड को चेक करना है, ये डायोड ख़राब तो नहीं है, 110 का ये डायोड ख़राब तो नहीं है। इसको चेक करने के बाद यदि वोल्टेज ड्राप होते हैं, तो फिर इस ट्रांजिस्टर को निकाल के चेक करेंगे। यदि इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ओपन करते हैं तब वोल्टेज आ जाते हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। यदि इसके बावजूद भी कुछ काम नहीं कर रहा, तो फिर ESTB को आप देखना पड़ेगा, ESTB में कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है, ESTB सेक्शन में उसको बदल के देखें, या ESTB की पिन को ओपन करके देखें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। हर एक इसकी तीन जो पिन है जो हैं सप्लाई वाली, उसको चेक करें, प्राइमरी वाली एक ये, एक ये जो गई है, एक ये गई है और एक ये गई है, इनको चेक करें आप, ये शॉर्ट हो सकती हैं। अब ये जब क्लियर है, तो फिर यहाँ पे एक 24 वोल्ट की सप्लाई जो बनती है वो वर्टिकल सेक्शन के लिए पहुँचती है। यदि ये पहुँच रही है तो वर्टिकल लाइन नहीं आएगी इसमें, आप समझ जाइएगा। यदि आ रही है तो ये IC ख़राब है, इसको बदल के चेक करें, ठीक है। यदि यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज नहीं पहुँचेंगे तब तक ESTB नहीं बनेगी, चाहे कुछ भी कर लें, इसलिए सबसे पहले ये वोल्टेज पहुँचना ज़रूरी है, ये वोल्टेज आना जरूरी है। ये वोल्टेज यदि आ रहे हैं तब भी नहीं काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर चेक करें, यदि ये बेस पर वोल्टेज नहीं आएंगे इस ट्रांजिस्टर के, तब भी ये काम नहीं करेगा। और इसके लिए
यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, एक ट्रांजिस्टर ये, एक ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है। इस ट्रांजिस्टर पर 8 वोल्ट बनते हैं और यहाँ पर 5 वोल्ट बनते हैं, और ये 5 वोल्ट यहाँ से होते हुए इसकी 17 नंबर पिन पे, आईसी की जो है ना 17 नंबर पर वोल्टेज आते हैं। यदि ये वोल्टेज नहीं आएंगे तो ESD नहीं बनेगी। सबसे पहले ये वोल्टेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और जब ये वोल्टेज पहुँचेंगे, जब होरिजेंटल वर्टिकल ओरिजेंटल सिग्नल्स जो निकलेंगे 15625 साइकिल्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो जाएगी इस ट्रांसफार्मर पर, ये ट्रांजिस्टर के होते हुए ड्राइवर ट्रांजिस्टर के होते हुए ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर से होते हुए इसके बेस पर आएंगे, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, तो ये ESD बनना शुरू कर देगी और यहाँ से ये इस कलेक्टर पर होते हुए ESD पर पहुँचेंगे, जिससे कि ESD काम करना प्रारंभ कर देगी। इस तरीके से ये काम करेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे जो सप्लाई निकलती है, ये जो है यहाँ से ये सप्लाई जो आ रही है यहाँ, ये है साउंड सेक्शन के लिए, ये साउंड सेक्शन के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई निकलती है, ये यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। ये सप्लाई ये है, तो ये मेन फॉल्ट मेरा बताने का ये था कि अभी क्या हो रहा है, बारिश के समय पे सबसे ज़्यादा ये बेस ख़राब हो रही है, बेस ख़राब होती है, फाइनल एनोड ख़राब हो जाता है, ये नया मार्केट में मिल जाता है अलग से, इसको लगाएं। तो यदि ये बार बार ख़राब हो रहा है तो ESD भी बदल के देखें आप, कभी कभी क्या होता है ESD से यहाँ से ये जो कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है और वोल्टेज ज़्यादा निकलता है, स्पार्किंग होती है, इससे ख़राब हो जाती है। तो ESD भी बदलना पड़ेगी आपको, देखना पड़ेगा, बदल के बेस बदल के देखना पड़ेगा, तभी ये क्लियर हो पाएगा फॉल्ट। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, और मैंने जो बताया वो आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आप लोगों की ये समझ में आया तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।